सन 1971। पाकिस्तान युद्ध के कड़वे सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। आईएनएस विक्रांत को डुबाने के मिशन पर भेजी गई पाकिस्तान की घातक सबमरीन पीएनएस गाजी को आईएनएस राजपूत ने समुद्र में दफन कर दिया था। 1971 के युद्ध में तस्वीर बदलने वाला फैक्टर भारत का विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रांत होगा, ऐसा पाकिस्तान भली भांति जानता था। पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन पीएनएस गाजी को 14 नवंबर से 22 नवंबर के बीच कराची से बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया। ये आईएनएस विक्रांत के लिए एक बुरी खबर थी। भारतीय नौसेना की पूर्व कमांड के कमांडर वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने एंटी सबमरीन वॉरशिप आईएनएस राजपूत को विक्रांत होने का नाटक करने का निर्देश दिया। आईएनएस राजपूत से हैवी वायरलेस मैसेज भेजे गए और मद्रास नेवल बेस को उसकी ओर बड़ा युद्ध जहाज आने का संदेश दिया गया। कृष्णन जानते थे कि ये तमाम जानकारी पाकिस्तानी नौसेना के जासूसों से छिपी नहीं रहेगी। जैसे ही 26 नवंबर को पानी में छिपकर बैठे पीएनएस गाजी को अपने कमांड सेंटर द्वारा विक्रांत विशाखापट्टनम में होने की जानकारी मिली, गाजी विक्रांत को डुबाने के इरादे से विशाखापट्टनम की ओर आगे बढ़ी। इसी बीच आईएनएस विक्रांत को बचाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई, लेकिन युद्ध के कुछ दिन पहले ही विक्रांत के बॉयलर में दरार हो गई और उसकी गति कम हो गई। विक्रांत को मद्रास से 1000 मील दूर अंडमान निकोबार के पास किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया गया। विक्रांत की भूमिका में आईएनएस राजपूत ने विशाखापट्टनम से ढाका के लिए समंदर में यात्रा शुरू की। आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह ने समंदर में सबमरीन होने के अंदेशे से नौसैनिकों को उस सबमरीन को तबाह करने का आदेश दिया और 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात को गाजी की समुद्र में ही कब्र बना दी गई। पाकिस्तानी नौसेना अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कहती रही कि अंधकार की वजह से गाजी अपने ही विस्फोटकों के साथ टकरा गई है। 4 दिसंबर को पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची पर हमला बोल दिया। भारत की ओर से किए गए इस हमले में 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट, 2 एंटी सबमरीन और 1 टैंकर शामिल था। इस युद्ध में पाकिस्तान के 5 नौसैनिक मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए थे। इसी जीत के जश्न की वजह से 4 दिसंबर को भारत नेवी डे के रूप में मनाता है। शूरवीर डिफेंस एकेडमी भारतीय नौसेना के इस अदम्य साहस को दिल से सल्यूट करती है।